नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल सासवत मॉम पे। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना सैटरडे इवनिंग का जो मेरा रूटीन होता है ना, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो सैटरडे को मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितने भी वीक में मतलब वर्क नहीं धो पाती हूँ उन कपड़ों को मैं धोऊँ। तो सबसे पहले जब मैं घर आती हूँ ना, तो फ्रेश होने के बाद कपड़े निकाल लेती हूँ जो मुझे धोना होता है, जैसे कि बेडशीट कवर हो गया, पिल्लो कवर हो गया, और सोफा कवर हो गया, डाइनिंग टेबल का क्लॉथ हो गया, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उन्हें मैं निकाल के क्या करती हूँ ना, शाम को ही आके मतलब सर्फ पे डाल के रख देती हूँ बाल्टी पे। इससे क्या है कि अच्छे से मतलब फूल जाते हैं कपड़े, जिससे अच्छे से साफ होते हैं। तो ये सारा काम मैं रात को ही कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैं जब ये मस्कन पे पिलो कवर लगाती हूँ ना, तो क्या करती हूँ कि उस पर जो धागे होते हैं उसको बांधना पड़ता है ना उसका मुँह को, तो उसके गोल सराउंड थोड़ा सा जगह बचता है, तो मैं जो उसका धागा होता है ना उसको उसके अंदर डाल देती हूँ। नहीं तो क्या है कि शाश्वत उसको रहने नहीं देगा, वो निकाल के उसका कवर कब फेंक देगा उसका कुछ पता नहीं। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और अभी तो बरसात का मौसम है, तो क्या करती हूँ मैं कपड़ा धोने के लिए अक्सर मतलब मेरी सास से एक बड़ा सा हमारा क्या बोलते हैं उसे, एक बड़ा सा ड्रम है, मतलब बड़ा नहीं तो 250 लीटर वो के लमसम में उसमें पानी गिरता है। तो छत से जो पानी गिरता है ना, मेरी सास उसको स्टोर करके रख देती है, और कपड़ा हम अक्सर उसी में मतलब सर्फ डालते हैं। उससे क्या होता है कि साफ बहुत ही अच्छा। अगर आप भी कभी ये ट्राई करना चाहते तो ट्राई करके देख सकते हैं। नॉर्मल वाटर से क्या होता है कि उस पर कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा से कपड़ा साफ हो जाता है। तो मैं बेडशीट लगा रही हूँ, देखिए ये शाश्वत को रोज़ का ही है, वो जब भी मैं बेडशीट लगाती हूँ तो वो ऐसा ही करता है मेरे साथ। और मैं इसे अगर इसके दादी के पास दे के भी आऊँ ना, तो वो वहाँ रहने वाला नहीं है, वो भाग के फिर आ जाएगा, क्योंकि उसको ये सब करने में मज़ा आता है। पर आज तो ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया। देखिए मैं इधर लगा रही हूँ बेडशीट, और देखिएगा वो क्या करेगा अभी। देखिए वो ये ऐसा निकाल दे रहा है, और मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो ये भी कांड कर रहा है। फिर जब मैं पीछे मुड़ के देखी, चिल्लाई रोई, तो वो पैट कैसे साइड में हंस रहा था। मैं उसे नीचे उतारा और फिर मैंने ये लगा लिया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम मैंने जो कहा कि मैं बरसात के पानी यूज़ करती हूँ सर्फ डालने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यही वो ड्रम है। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं रात को ही डाल देती हूँ कपड़े सारे सर्फ में, तो ये मैं डाल के ऐसे रख दे रही हूँ। और बरसात के पानी में क्या कि झाग भी बहुत अच्छा बनता है आपका। और ये क्या हो गया था कि मेरा तो तकिया जो मेरे बेड पे लगता है ना, उसमें से एक तकिया फट के उसका सारा रुई निकल गया था। तो आज सैटरडे था, कहीं आना जाना भी नहीं था, बरसात का मौसम है ऐसे भी, तो कहाँ जाऊँ। नहीं तो ऐसा होता है कि लमसम ऐसा होता है कि सैटरडे को थोड़ा शाम को मुझे निकलते हैं घूमने के लिए, पर अभी का मौसम देख के तो इच्छा हुई नहीं कि जाऊँ। हो सकता है बरसात भी आ जाए, और शाश्वत को लेके जाएंगे तो पानी में भीगने के बाद उसे तो सर्दी खांसी का भी थोड़ा डर रहता है ना, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो लेके गई नहीं, और ये मैंने तकिया सिल लिया। इसमें कभी भी मेरे जो भी तकिया के कवर है ना, उसमें अंदर से दो कवर होते हैं, जैसे कि एक ये इसके ऊपर और एक होता कवर, उसके बाद जो पिलो कवर हम लोग परचेज करके लाते हैं या फिर जो बनाते हैं वो मैं इस पे लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि गंदा नहीं होता है डायरेक्ट, जैसे कि जो आपका ये अंदर वाला कवर नहीं गंदा होता है, बीच वाला कवर गंदा होता है तो उसको भी निकाल कर धो देते हैं, ऊपर वाला जो कवर होता है उसे भी धो देती हूँ। तो मैं ये कवर सिलने के बाद मैंने क्या किया, वहाँ थोड़ा सा झाड़ू मार दिया, क्योंकि वो एरिया पूरा गंदा हो चुका था होल मेरा।
तो अब सासुर के पापा आने वाले हैं, तो मैं सोची कि मैं थोड़ा सा नाश्ता बना लेती हूँ। तो जैसे मैंने मूंग और चने मैंने अंकुरित करके रखे हुए थे, और मैं सोची थोड़ा सा चूड़ा भून लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने दो प्याज कट किए हैं, एक प्याज तो मैं डालूँगी चने और मूंग का, मैं एक घूंघनी बना लूँगी उस पर, और एक मैं चूड़ा भूनूँगी उस पर। तो यहाँ मैं सासुर को प्याज दे रही हूँ, क्योंकि वो सासुर प्याज बहुत शौक से खाता है। और ये मैं बस लहसुन को थोड़ा सा मतलब कूच ले रही हूँ, और ये मिर्चा लिए मैंने 5-6, तो एक मिर्चा तो मैं डालूँगी आपका जो भुनी बनाऊँगी उस पर, और ये 4-5 मिर्चें डालूँगी मैं चूड़ा पे, क्योंकि सासुर के पापा को चूड़ा में भूंजा मतलब फ्राई किया हुआ मिर्चा बहुत पसंद है। तो ये मेरे चूड़े भून चुके हैं। चूड़े भूनने के लिए मैंने क्या किया, पहले चूड़े को कल्हार लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद उसे निकाल लेती हूँ। फिर कढ़ाई पे हम तेल डालते हैं, और फिर मिर्चा लहसुन प्याज डाल के, और उस पर हल्का सा बादाम डालती हूँ, और उसको 1 मिनट भूनने के बाद फिर चूड़ा डाल के मैं 5 मिनट लमसम भून लेती हूँ, जैसे चूड़े के हल्का हल्का लाल हो जाता है। और इसी तरह मैं बनाती हूँ चूड़ा फ्राई। और देखिए मेरा ये चूड़ा भून के तैयार हो चुका है, आप भी देख सकते हैं, देखिए डेटल का दिख रहा है ना, बादाम भी है इस पर। और मैंने उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया है फिर से भूनने के लिए। तो इस पर मैं तेल डालने के बाद मैंने ये लहसुन मिर्चा प्याज डाल दिया है, और इस पर हल्का सा मसाला डालूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है। और ये देखिए ये मेरा बन के तैयार हो चुका है। तो इस पर हम मिला देंगे चूड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसा खाना बहुत ही पसंद है, ऐसा नाश्ता उनको मिल जाए ना तो फिर तो उनका दिन ही बन जाता है। तो ये मैंने डाल दिया चूड़ा, और चूड़े को मैंने मिला दिया है कढ़ाई पे ही, और इसे मैं उनको दे दूँ। और उनको नाश्ता भी, ये वाला नाश्ता तो पेट भर के चाहिए, इसको खाने के बाद वो खाना नहीं खाएंगे वो, मेरे को ही पता है, क्योंकि उनका ये प्रिय भोजन है। तो ये मैंने दे दिया उनको, और इस पर थोड़ा सा क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं मिक्सचर डाल देते ऊपर से, ये क्या होगा कि इसका खाने का टेस्ट बढ़ा देगा आपका, और भी स्वादिष्ट लगेगा खाने में। और ये अलग से मैंने निकाल लिए थे चने भुजे हुए, क्योंकि मेरी सास को दांत नहीं है, तो मतलब दांत में थोड़ा इशू है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है, चूड़ा नहीं चबा पाती है, तो उनको मैंने सिर्फ घुघनी दिया है। और मैंने ये जो बचे हुए थे वो मैंने ले लिया है, और इस पर मैं भी थोड़ा सा मिर्चन मिला लूँगी। तो ये मैंने मिर्चन मिला लिया, और हस्बैंड की डिमांड का मैंने चाय चढ़ाया हुआ, तो जब तक चाय बनती है तब तक मैं भी बैठ कर खा लेती हूँ, क्योंकि चाय बनने में 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो सारे लोग हम लोग बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं, और देखिए बाबू तो अपनी दादी के साथ ही बीजी है, टेस्टी। और ये चाय भी बन गया, तो चलिए हस्बैंड को चाय दे देती हूँ। और थोड़ा सा चाय बचा है तो मैंने भी ले लिया। और हाँ, ये नाश्ता बनाने का बहुत ही बेनिफिट है, अब रात को खाना नहीं बनाना है मेरे को, क्योंकि हस्बैंड तो खाएंगे नहीं मेरे, और मेरी सास सुबह को रात को थोड़ा सा दलिया या फिर क्या वो दलिया ही खाती है, सादा सादा बोलती हैं कि खाना उनको ज़्यादा पसंद है, तेल मसाला थोड़ा कम ही खाती हैं, तो उनके लिए हल्का सा दलिया बनाऊँगी, चल जाएगा, मेरा भी हो चुका ही है। और बाबू भी तो खाएगा नहीं, उनको बाबू को सैलेड खिला दूँगी या फिर दूध पिला दूँगी, तो बाबू का भी हो जाएगा, बाबू भी थोड़ा मोड़ा खा चुका है भोजन। और सारे बर्तन में धो के निपटा लेती हूँ। और
ऐसे कभी कभी जैसे कि संडे को होता है, कभी कभी प्लान हो जाता है हमारा घूमने का कि सुबह हो जाना है घूमने कहीं दूर, तो मैं क्या करती हूँ ना, कपड़े जो होते हैं रात को ही धो लेती हूँ, और जो भी डस्टिंग वास्टिंग करना रोक होता है उस सैटरडे को शाम को ही सारा चीज़ कर लेते हैं हम। किचन उचन भी साफ़ करना होता है तो वो भी हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह उसको तो मिल अगर 6 बजे जाना हो तो उतना तो होता नहीं है, तो बस झाड़ू करने के लिए छोड़ मतलब घर है तो पड़े तो झाड़ू करना ही है, तो बस इतना करके जाते हैं कि सुबह पोछा ओछा ना करना पड़े, इसलिए शाम को ही हम सारा कुछ कर लेते हैं अगर कहीं हमारा घूमने का प्लान हुआ तो, नहीं हुआ तब तो फिर आराम से खाना है और सोना है, सुबह उठ के तो करना ही करना है। तो ये सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, और बर्तन धोने के बाद और ये मेरे तो पार्टी का रूटीन है कि मैं ड्यूटी से आने के बाद यहाँ बाबू को एक बार तेल लगाती हूँ सासुर को शाम को, सुबह नहीं हो पाता आजकल क्योंकि अभी तो गर्मी का भी दिन है, ठंडी होता है तो फिर एक बार लगा देती हूँ मैं सुबह और एक बार शाम को, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी है तो सिर्फ शाम को ही लगाती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक से रहिएगा सारे लोग, और हम मेरा जो भी रूटीन होगा संडे मंडे मैं कोशिश करूँगी हर दिन का अपना रूटीन आपको शेयर करके दिखाऊँ कि कैसे मैं एक छोटे से बच्चे को संभालती हुई ड्यूटी जाती हूँ, फिर घर आती हूँ, घर पे भी आके इतना सारा काम निपटाती हूँ, तो हो सकता है कि आप लोग को भी प्रेरणा मिले मेरी रूटीन देख के। मिलते हैं दोस्तों फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, नहीं तो फिर ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब बाबू को सुला देंगे मैं दूध पे आने के बाद, ठीक है, बाय बाय।